कमलों से हम करवाना चाहते हैं। माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे रिमोट का बटन दबाकर इन योजनाओं का शुभारंभ करें। और इस क्रम में सबसे पहले समर्थ सखी योजना। समर्थ सखी योजना सशक्तिकरण का साधन एक स्कूटी भी हो सकती है, स्वयं का साधन, उत्पाद को बेचने का सामान हो, खरीदने, संपर्क करने, बैंक जाने और अनेक कार्यों को निपटाने के लिए साधन, और सरकार द्वारा मात्र 2.51% ब्याज पर उपलब्ध ऋण से सचमुच महिला सशक्तिकरण के ये छोटे छोटे कदम सफलताओं के आधार बनते हैं। और ग्रामीण इंदिरा गांधी रसोई राजीविका द्वारा संचालन, ग्रामीण इंदिरा रसोई का संचालन राजीविका द्वारा। और अब महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एकीकृत कृषि कार्यक्रम, बीज से बाजार तक, खेत से खलिहान तक। खेती के काम को महिलाएं ही करती आई हैं। खेती के इस काम को शुरू से महिलाएं ही करती आई हैं, लेकिन किसान हमेशा पुरुष को ही समझा जाता रहा है। लेकिन अब राजीविका ने महिला किसान को आत्मनिर्भर, समर्थ और सक्षम बनाने का संकल्प लिया है इस योजना के माध्यम से। और अब ई सखी आधारित डिजिटल साक्षरता अभियान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत महिलाओं एवं स्कूली छात्राओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए 40 लाख स्मार्टफोन और 3 साल की इंटरनेट कनेक्शन सुविधा दी जा रही है। डिजिटल साक्षरता हेतु राजीविका की 47,000 कैडर को डिजिटल सखी के रूप में प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षित डिजिटल सखी द्वारा स्वयं सहायता समूह की 46 लाख महिलाओं को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण मिलेगा। अंतिम चरण में 1.33 करोड़ लाभार्थी महिलाएं डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षित होंगी। डिजिटल साक्षरता अभियान में महिलाओं को मोबाइल फोन के द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं उनका लाभ कैसे उठाया जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। महिलाएं अपने व्यवसाय एवं आजीविका गतिविधियों में सुधार हेतु सूचना भी प्राप्त कर पाएंगी, ऑनलाइन बाजार से जुड़ सकेंगी तथा साइबर क्राइम से बचने हेतु जागरूक होंगी। हर ग्रामीण महिला लाभार्थी तक न केवल मोबाइल फोन और इंटरनेट पहुंचेगा, बल्कि उन्हें फोन की कुशल उपयोग की ट्रेनिंग मिलने से राजस्थान में डिजिटल क्रांति लाने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा। डिजिटल सखियों ने ली है उड़ान, तरक्की की राह पर बढ़ चला राजस्थान। सचमुच डिजिटल सखियों ने ली है उड़ान और तरक्की की तरफ बढ़ चला है राजस्थान। अब हमारी इन सखियों को हम चेक प्रदान करवाना चाहते हैं माननीय के कर कमलों से। तो आइए इस क्रम में सबसे पहले बैंकों द्वारा ऋण, बैंकों द्वारा 381 करोड़ रुपए के ऋण के चेक इन सखियों को वितरित किए जाने हैं। उस क्रम में सबसे पहले झालावाड़ से रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना और इनका SHG ग्रुप का नाम है झांसी की रानी। बैंक सखी आपको ये चेक माननीय के कर कमलों से आज के सखी सम्मेलन में प्रदान किया जा रहा है। रजिया सुल्ताना के बाद अलवर से गीता,
ये चेक ग्रहण कर रही हैं झालावाड़ से हमारी बैंक सखी रजिया सुल्ताना, और इसके कन्वीनर हैं श्री कमलेश चौधरी जी, SLBC से श्री कमलेश चौधरी जी, आप भी यहाँ मंच पर तशरीफ लाएं। कमलेश चौधरी जी जो इसके कन्वीनर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अलवर से गीता, अलवर से हमारी सखी गीता चेक ग्रहण कर रही हैं माननीय के कर कमलों से। पायल राजीविक SHG ग्रुप है। और अब बीकानेर से कांता शर्मा और इनका SHG ग्रुप का नाम है करणी माता। बैंक सखी कांता शर्मा, अच्छा ठीक है। 381 करोड़ रुपए के बैंकों द्वारा ऋण के चेक। हाँ अगला, हाँ बोल। और अब महिला राजस्थान महिला निधि ऋण 63 करोड़ रुपए की राशि के ये ऋण, राजस्थान महिला निधि ऋण। अच्छा वो पहले ले लिया, स्कूटी की चाबी तो लास्ट था, और स्कूटी की चाबी इसके साथ ही। गीता पिंकी और मुन्नी, गीता अलवर से, पिंकी दौसा से और मुन्नी अजमेर से। गीता मुन्नी और पिंकी, चलो इसके बाद ये बीच में नहीं हो गए, सब हो गए। अच्छा चलिए अब सम्मान करें। किसका बोलो, सम्मान का। अच्छा और अब आइए हम सम्मानित करें हमारे उन दीप स्तंभों को, उन सखियों को जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर अपना परचम लहराया है। और इस क्रम में सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों की दरकार, हम अपनी सखियों का सम्मान कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ CRP भवरी कवर चुरू से हमारे बीच, सर्वश्रेष्ठ CRP भवरी कवर चुरू जिले के चुरू ब्लॉक की रहने वाली भवरी कंवर का जन्म गरीब परिवार में हुआ। समूह से जुड़ने के बाद भवरी कंवर ने 16 बार लघु ऋण और 10 बार बड़ा ऋण लिया। और इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अकाउंट कविता जानव चित्तौड़गढ़ से, कविता चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी ब्लॉक के, इन्होंने नियमित रिकॉर्ड संधारण किया। और इसके बाद सर्वश्रेष्ठ क्लस्टर मैनेजर सिलोचना गोदारा चुरू, ये सिलोचना हो गई क्या, अगला कैसे बोलूं, आप सबको देख पा रहे हैं प्लीज। सर्वश्रेष्ठ क्लस्टर मैनेजर सिलोचना गोदारा चुरू से 84% समूह ए ग्रेड के हैं इनके। और इसके बाद श्रेष्ठ CLF एकता 12 से सर्वश्रेष्ठ CLF एकता, आपकी तालियां लगातार बजते रहना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ
डीपीजे सखी नेहा धौलपुर से। ये है एकता सीएलएफ सखी 12 से थी और सम्मान ग्रहण कर रही हैं सर्वश्रेष्ठ डीजीपी सखी नेहा धौलपुर से। ये हैं धौलपुर से नेहा और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ बैंक सखी रेखा ये अलवर से हैं। अलवर से संचालित योजनाओं की पहुंच और महंगाई राहत कैंप के माध्यम से गारंटी कार्ड के माध्यम से राजस्थान के लाखों परिवारों तक प्रदेश की बेटियों को माननीय का आशीर्वाद और इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ बैंक सखी रेखा अलवर से। परिवार को आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका इन्हें मिला है। बालाजी समूह में जुड़कर पशु सखी के रूप में इन्होंने अपने क्लस्टर में पहचान हासिल की। और अब रेखा नागौर से, रेखा देवी नागौर से, अजोला पशु टीकाकरण बधियाकरण और खनिज लवण ईट बकरी पालन मुर्गी पालन ये सब कार्य इनके रहे हैं इसमें ग्रुप के माध्यम से। और अब सर्वश्रेष्ठ कृषि सखी प्रेमलता झुंझुनू से, जैविक किचन गार्डन और जैविक खेती की शुरुआत इन्होंने 2022 में की। सर्वश्रेष्ठ पशु उद्यम सखी रूबी सिद्दीकी टोंक से, रूबी सिद्दीकी सर्वश्रेष्ठ पशु उद्यम सखी माननीय मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत बेचैन है हमारी सखियां। सर्वश्रेष्ठ डाटा एंट्री सखी सीमा मीणा प्रतापगढ़ से, कितने बड़े हुए हैं? बीए भी हो गई है, बीएड भी हो गई, एमएड भी कर रही है। वेरी गुड, बड़ा अच्छा काम कर रही है आप तो, डेटा एंट्री कर रही है आप। वाह वाह, सुना आप लोगों ने, बहुत जोरदार तालियां आपकी सखी, बहुत बधाई आप सबको, तो आपको बधाई। सीमा मीणा प्रतापगढ़ से और अब सर्वश्रेष्ठ सीआरपी मधु मीणा 12 से। और अब सर्वश्रेष्ठ वन धन मैनेजर शिवानी वैष्णव 12 से। और अब अंतिम सर्वश्रेष्ठ जेंडर ट्रेनर वर्षा गहलोत।
हम बंधन परियोजना में मैं मैनेजर के पद पे कार्य करती हूँ और जो हमारी बहनें हैं वो लघु वन उपज जो हम हमारी साइड होती है और जो हमारे कृषि उपज भी है उनसे हम महिलाओं को प्रोडक्ट बनवाते हैं और उनको आगे प्रोत्साहन करते हैं और सभी महिलाएं हमारे बहुत अच्छे से काम भी करती हैं। और अब अंतिम हमारी सम्मान ग्रहण कर रही हैं सखी सर्वश्रेष्ठ जेंडर ट्रेनर वर्षा गहलोत। हमारे जो दादा ससुर जी थे वो आपसे मिले हुए हैं सर जी। ये दादा ससुर जी मिले मुझसे ये बता रही है आपको। चलो ठीक, बदनौर से आप? बदनौर से, बहुत बढ़िया, बताइए आपको अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे उत्कृष्ट कार्य करने वाली हमारी दीप स्तंभ सखियों को सम्मानित करने के लिए। और अब अनुरोध करना चाहेंगे सम्माननीय मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी से अपना उत्प्रेरण, अपना संदेश आज के आयोजन में उपस्थित इन सखियों को प्रदान करें माननीय मुख्य सचिव महोदया। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ इस जगह सभागार में बैठी हुई मेरी महिला मित्रों और सभी जिलों से करीब बताया गया है हमें कि 30,000 से भी ज़्यादा महिलाएं आज VC के माध्यम से हमसे इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं और 2.25 लाख महिलाएं आज इस कार्यक्रम को ब्रॉडकास्ट के माध्यम से देख रही हैं। तो उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। आज जो उत्साह और उल्लास आपका जो यहाँ देखने को मिल रहा है तो उसे बेहद उसे देख के महिला होने के नाते मुझे बड़ी खुशी होती है बहनों। और आज जो पत्रकार बंधु इस पूरे कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं उनका भी हम जो है बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मुझे याद है जब मैं जिला कलेक्टर अजमेर थी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब मैं वहाँ थी तो जब सर दौरे पे आए थे तो हमने स्वयं सहायता समूह का जो एक अभियान चलाया हुआ था तो हमने उन्हें कुछ स्पॉट्स पे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जिस तरह की गतिविधियां उन्होंने ली हुई थी, कार्यक्रम लिए हुए थे, वो हमने दिखाए और सर को बहुत खुशी हुई थी कि एक बहुत अच्छा अभियान अजमेर ज़िले में चलाया गया है। एक कल्पना थी मेरे मन में तब कि क्या हम उस दिन को देखेंगे जब महिलाएं एक यात्रा के उपरांत अपना एक बैंक बना पाएंगी। और जो आपने जो उड़ान भरी है मुझे गर्व है कि मैं आज इस कार्यक्रम में आपसे रूबरू हो रही हूं और जिस तरह की प्रदर्शनी में मैंने आपका कमिटमेंट देखा, आपकी बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप देखी, आपका उत्साह देखा, तो मैं समझती हूँ कि जब हम बाहर कहीं जाते हैं किसी और अन्य राज्य में तो उनकी तुलना में राजस्थान स्वयं सहायता समूह आजीविका में भी बहुत अग्रणी है। चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो जैविक खेती हो, चाहे वो पशुपालन हो, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं रह गया है, चाहे वो उड़ान हो, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं रह गया जहां मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और आज जिस तरह के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो नए इनिशिएटिव्स की बटन दबा के आज जो शुरुआत की है तो उसमें भी मुझे विश्वास है कि आप बेहतरीन कार्य करेंगे,